हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। और ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया और मैं कुछ और कामों में लगा हुआ था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं, जो टॉपिक, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। ये NCERT बुक का सेकेंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको भी बताया मैंने कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका कि पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स द चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होगा, ये रहा सोर्स चार्ज, ठीक है। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें कुछ टर्म समझने होंगे कि ये होते क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये टर्म हमें समझ में आएंगे तभी हम आगे का चैप्टर आसानी से क्लियर कर पाएंगे, हमारे माइंड में आएगा कि हाँ ये सब होता है। सबसे पहली बात है कि ये सारा का सारा टर्म है, ये टर्म जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो सीधा सीधा वर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो वर्क है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जो वर्क करना पड़ता है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि वर्क करना कब पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो आपको टर्म मिलेंगे, थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बट बिल्कुल सिंपल है। जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको देखते जाइए बस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको चार टर्म मिलेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना। ये आपको चार टर्म मिल रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना। ये चार टर्म आपको मिलेंगे, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है वो होता है सोर्स चार्ज का। क्या? पोटेंशियल जो होता है वो होता है सोर्स चार्ज का, ध्यान रखेंगे। यानी कोई चार्ज अगर प्रेजेंट है तो डिफरेंट पॉइंट पर उसके डिफरेंट पोटेंशियल होंगे। इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर कुछ और पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर कुछ और पोटेंशियल होगा, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का मतलब यही है, एक तरीके से उसकी क्षमता, हमें कह सकते हैं कि उसकी क्षमता क्या है, वही पोटेंशियल के इसमें किसी और चार्ज को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की कितनी क्षमता है, ठीक है। लेकिन वो हमें पता चलता है वर्क डन से, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होता है वो सोर्स चार्ज का होता है ना। पोटेंशियल किसका होता है? सोर्स चार्ज का, ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टेस्ट चार्ज की होती है, ध्यान रखेंगे। टेस्ट चार्ज की होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी होती है पोटेंशियल एनर्जी? टेस्ट चार्ज की होती है। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? स्मॉल, वेरी स्मॉल, ध्यान रखेंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है कि टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यों रखते हैं हम? इसलिए कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। इस टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये बात हमें ख्याल रखनी है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने देख लिया पोटेंशियल किसका होता है? सोर्स चार्ज का। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? टेस्ट चार्ज की। उसी तरीके से देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सोर्स चार्ज का। क्या होगा? सोर्स चार्ज का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका, ये अगर सोर्स चार्ज है तो इस पॉइंट में, जैसे अभी मैंने बताया, इस पॉइंट, एक पॉइंट पर कुछ और पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट पर कुछ और पोटेंशियल, तो इन दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं कि सोर्स चार्ज होता है ना, या कोई भी जो चार्ज होता है उसका डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल होता है। तो दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है? सोर्स चार्ज का, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है? सोर्स चार्ज का, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अगेन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसका होगा? टेस्ट चार्ज का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना हो, किसका होगा? टेस्ट चार्ज का, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि कौन सी चीज़ किसकी होगी, पोटेंशियल सोर्स चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये चार पॉइंट आ गए। अब जैसे कि मैंने इसको बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि क्या है। जो पोटेंशियल होता है वो हो गया सोर्स चार्ज का, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होता है, यानी कि ये पॉइंट बेस्ड होता है। है कि अगर पॉइंट चेंज हो गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, नहीं आई बात समझ में। जो आपका पोटेंशियल होता है वो पॉइंट बेस्ड होता है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ और होगा, डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, कहीं पर बढ़ेगा कहीं पर कम होगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर बढ़ेगा और कहाँ पर कम होगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो दूसरी चीज पोटेंशियल, अगेन पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, अगर कोई सोर्स चार्ज है वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज करता, पर यूनिट पॉजिटिव के चार्ज के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। लेकिन कहाँ से कहाँ, इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं, उसके बाद समझ आएगा। मैंने एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है इन्फिनिटी। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है, इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, नहीं आई बात समझ में। इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है, आई बात समझ में। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, नहीं आई बात समझ में, ध्यान रखेंगे। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पर कि पोटेंशियल जीरो होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। अब पहले वर्क डन समझते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। चलिए वर्क डन समझने की कोशिश करते हैं। अब वर्क डन क्या होता है ना, अब ये कौन सा वर्क डन है, किस वर्क डन के बारे में बात हो रही है, समझते हैं। ये जो वर्क डन है इट शुड बी अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट फोर्स होना चाहिए, ठीक है। जो वर्क डन है वो अगेंस्ट फोर्स होने, अगेंस्ट फोर्स कैसे, अगर चार्ज पॉजिटिव है, हमारा सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा, ये जो टेस्ट चार्ज है भी हम पॉजिटिव ही मानते हैं तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, नहीं यही बात समझ। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो अब हमें अगर वर्क करना पड़ेगा तो इस टेस्ट चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो उस पर इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो वर्क डन जो करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर वो करना पड़ेगा जो है ना टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टूवर्ड्स द चार्ज, नहीं यही बात समझ। तो ये जो वर्क डन होता है, जिस वर्क डन की हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे उसको समझ लेते हैं, वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये होता है अगेंस्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। जो भी वर्क डन होगा वो अगेंस्ट फोर्स होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बात करते हैं। देखो तो वर्क डन होता क्या है, ठीक है। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी जब भी वर्क डन होगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस सम फोर्स होगा, क्या होगा वर्क डन, जब क्या होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स होगा। और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करें तो कौन सा फोर्स है, यस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको कि हम कूलम्स फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वर्क से रिलेटेड है, वर्क क्या होगा अगेंस्ट फोर्स होगा, तो अगेंस्ट कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं यही बात समझ। अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, नहीं यही बात समझ, जिसको कि हम कूलम्स
कूलम्स फोर्स भी बोलता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये वर्क हो गया अगेंस्ट फोर्स। अब वर्क ना अलग अलग तरीके से होगा, अब इधर बात कर लेते हैं कि किसमें क्या वर्क डन होगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ तो देखो, जो पोटेंशियल होगा उसमें वर्क डन होगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वर्क कैसा है? अगेंस्ट फोर्स, ठीक है ना, अगेंस्ट फोर्स। दूसरी कंडीशन और है इसकी, एक तो अगेंस्ट फोर्स है ही है, दूसरी है जो फोर्स होना चाहिए, ये जो फोर्स है अगेंस्ट फोर्स होना चाहिए, सेकेंड एक्सटर्नल फोर्स से होना चाहिए। ये जो वर्क करना पड़ेगा हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, ठीक है बेटा। ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है, जो भी पूरे चैप्टर में जब भी वर्क की बात आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जब भी वर्क की बात आएगी, तो जो वर्क होगा वो अगेंस्ट फोर्स होगा, ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगेंस्ट कौन सा फोर्स से मैं बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स से होगा, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। नहीं ये बात समझ? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है वर्क की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अभी साइड में लिख देता हूँ आपको, तो आपको याद रहेगा, मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ, ठीक है। इस वर्क डन के अगर बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो वर्क डन है, इस कॉर्नर में अगर मैं लिख देता हूँ, है ना, तो जो वर्क डन होगा, ये जो वर्क डन है, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बेटा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन होगी वर्क डन की बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है ना, बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन होगी ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? इक्वल टू होना चाहिए, है ना, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन कंडीशन होंगी। चौथी कंडीशन भी रख लेता हूँ मैं, आपको याद रहेगी, जो आपका टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, जो टेस्ट चार्ज होगा वो वेरी स्मॉल होगा, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कॉर्नर में मैंने लिख दी है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। चलिए अब आ जाते हैं दोबारा से वर्क डन पर, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, ठीक है, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है आपका? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है ना, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट बताया था हमें? जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल जीरो, ठीक है। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। इसको भी एक कॉर्नर में लिख देता हूँ मैं, ठीक है बेटा, इसको भी एक कॉर्नर में लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी इज अ पॉइंट, इन्फिनिटी इज अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है ना, इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है बेटा। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है ना, इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। चलिए, तो
हम आगे बात करते हैं। तो पोटेंशियल तो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये मैंने चार कंडीशन लिख दी है। जब भी आप ये पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस कुछ भी आए, तो आपको करना क्या, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप या क्या होता है, वर्क डन है ना है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान रखें इसको, ये कंडीशन तो सब में आएंगी, ठीक है है ना। क्या आएंगी कंडीशन वर्क डन की, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट है ना इन मूविंग अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज। ये तो आपको रट लेनी है, ये तो आपको होता ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मैं केवल वर्क डन बोल रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट तो इसमें अपने आप ऐड हो जाएंगे जब भी मैं वर्क डन की बात करूंगा आपसे। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है चलिए बात करें। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी मैंने बताई दिया आपको, ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन, यही होता है वर्क डन अगेन यही आएगा है ना, वर्क डन यही आएगा, लेकिन इसमें अंतर कितना सा आ जाएगा उसको देख लेते हैं, इसमें अंतर कितना सा जाएगा। तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, इसमें तो हमने क्या लिखा था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसमें आएगा बाय टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल में तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कितना वर्क होगा, जबकि पोटेंशियल अगर एनर्जी की बात करूंगा तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, वर्क डन बाय क्यू नॉट, ठीक है ना, उसी की एनर्जी होती है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, थोड़ी सी इसको बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, धनुष होता है, अगर मैं धनुष बनाऊँ तो इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से धनुष होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको स्ट्रेच करते हैं, तो वो धनुष इस तरीके से हो जाता है। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, इस हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, या अगेन हम कह सकते हैं अगेन टेंशन फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इसके अंदर टेंशन हो रही है उसके लिए। तो जब भी वर्क अगेंस्ट फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तभी तो इसको जैसे ही छोड़ते हैं ये एरो चलना शुरू हो जाता है आगे, जैसे ही हमने छोड़ा तो जब हमने इसको पीछे ले गए, जब हम इसको पीछे ले गए तो क्या हुआ, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है, कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हुई, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हुआ है अगेंस्ट फोर्स हुआ है, ये इलास्टिक के अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे थे तभी इसमें वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल एनर्जी की भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का भी मैं लिख देता हूँ आपको कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये है ना पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट, है ना, व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कब होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं आगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी हुई वो क्या हुई, किसकी हुई, टेस्ट चार्ज की, ठीक है,
टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हुई, और कब हुई, जब ये टेस्ट चार्ज वर्क करेगा अगेंस्ट फोर्स, ये तो हमने लिखा ही हुआ है ना, वर्क तो अगेंस्ट में हो नहीं होना है, लेकिन जब भी वर्क अगेंस्ट फोर्स होता है तो वो जो वर्क है, ठीक है ना, वो वर्क है किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान रखेंगे, ये जो वर्क होता है ये ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है ना, इस ये यूनिवर्सल है, हमेशा काम में आएगा आपको, ये जो वर्क है कब, जब अगेंस्ट फोर्स होगा, ठीक है ना, जब भी अगेंस्ट फोर्स होगा तो वो जो वर्क है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है, इसको हम समझ लेंगे अभी बाद में 2 मिनट में, ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आके बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सबको समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये जो वर्क है इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर दो पॉइंट के बीच में है तो हम लिख सकते हैं वी ए वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को यू ए वी से रिप्रेजेंट करेंगे, बस रिप्रेजेंटेशन सीख लो, अपने आप ही सीख जाओगे सब, ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल को इस तरीके से भी कहूँ ना, मान लो मुझे ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट दे रखा है आपको पी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी पी, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी पी, इसी से आपको डेफिनेशन आ जाएगी, यानी पोटेंशियल क्या वर्क डन, मैंने शुरुआत में, तो जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट को क्या होगा, वर्क डन, ये चार कंडीशन, ये बोलना ही बोलना है आपको, ठीक है, वर्क डन है ना, वर्क डन बाय सॉरी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज विच शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, ये आपको लिखना ही लिखना है, तो ये इन्फिनिटी पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको क्योंकि यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये इन्फिनिटी अभी अगर मान लो पी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पी से, ये चार रिप्रेजेंटेशन अगर आपको पता है तो आपको सारी डेफिनेशन पता है, कोई दिक्कत नहीं पता है, ठीक है। तो एक एक चारों को देख लेते हैं, बड़ी आसान सी डेफिनेशन हो गई, तो अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल हो गया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय अ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसकी डेफिनेशन हो गई वर्क, और इसकी क्या हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो गई, है ना, वर्क डन बाय अ टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ठीक है ना, यहाँ पर चार यूनिट, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से पी तक मूव कर रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी से पी तक क्या मूव कर रहा है, टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी, अगर यही चीज़ अगर मैं कह दूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसमें आ जाओ, इसमें क्या अंतर है, बस इन्फिनिटी की जगह ए है, पी की जगह बी है, इसका मतलब चार्ज जो मूव करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब भी पोटेंशियल की बात हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज मूव करेगा वो ए पॉइंट से बी पॉइंट को मूव करेगा, इसमें जो चार्ज मूव करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा, नहीं आई बात समझ में, ठीक है, चलेगा। अब आसानी से समझ लेते हैं, अगले पेज पर हम जाएंगे, अगले पेज पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सारा अब अगले पेज पर समझते हैं। तो हमारे पास क्या क्या टर्म आ गए बेटा, सबसे ऊपर तो आया W, ठीक है बेटा, सबसे ऊपर आया W, फिर आया V, जिसको अगर मैं इन्फिनिटी P लिख दूँ, ठीक है, फिर आया U, है ना, जिसको कि मैं लिख दूँ इन्फिनिटी P अगेन, फिर आया V अगेन ए बी, ठीक है, फिर आया आपका U, ये चार टर्म आ गए बस आपके, ठीक है। हमारे पास है क्या क्या, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है बेटा, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये कौन सा किसके बराबर है,
जो है आपका जो पोटेंशियल एट अ पॉइंट वो किसके बराबर होगा, वर्क डन है ना, वो किसके बराबर होगा, वर्क डन इन्फिनिटी पी यानी बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कर देंगे तो जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका डिवाइड लग जाएगा तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो जाएगा है ना, क्यू नॉट, ठीक बेटा। तो वी इन्फिनिटी पी क्या होगा, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। और वर्क डन आपको ध्यान रखना है उसमें वो चार पॉइंट तो ऐड करने हैं जो आपको बताया। इसमें क्या होगा, ये वर्क डन के बराबर होगा सीधे, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ये क्या होगा, वर्क डन बाय टेस्ट वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए टू पी, ए से पी तक मूव करने में जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ओवर करना पड़ा होगा वो हो जाता है आपका वर्क डन है ना, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू पी। ये कितना हो गया, ये ओनली वर्क डन, ये चार आपकी कंडीशन हो गई, इन कंडीशन का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो ये आपके सामने आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैं आपको देख लेता हूँ, मैं बता दूँ दो अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इन दोनों के बारे में बात करूँगा सबसे पहले। जैसे पोटेंशियल ए भी है, एक्चुअल में तो मतलब ये होता है इसका कि ए बी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ध्यान रखना जब भी हम कोई चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, माइनस ये पॉइंट कोई ए है और ये पॉइंट कोई बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी, ठीक है बेटा। तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको अभी देखते हैं। ये वही तो है, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो निकालते कैसे, चार्ज जो है इन्फिनिटी से पी तक मूव करता है। ये एक्चुअल में पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला हमने है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो उसको लिखने से हमें याद रहता है कि हाँ भाई इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्लू इन्फिनिटी वी वी की वैल्यू अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे है ना, डब्लू इन्फिनिटी वी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, W infinity V upon Q naught, ठीक है, minus W infinity A upon Q naught, ठीक है ना। ये हो गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बन जाता है, तो इसको भी आप लिख लेंगे वी ए वी के कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किसके बराबर होगा, यू ए वी, यू ए वी किसके बराबर होगा, वर्क डन, तो पहले अगर मैं ये ऐसे लिखूँ कि यू बी फाइनल में से यानी बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो अगेन ये किसके बराबर होगा कि भाई डब्लू इन्फिनिटी बी माइनस डब्लू इन्फिनिटी ए, ये जो है यू ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपके सारा चारों टर्म होगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये चारों टर्म कैसे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इनके एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज के।